पंजाब दे महान योद्धे हरि सिंह नलवा जी ने एक मुसलमान कुड़ी दी इज्जत बचाई, उदी जान बचाई। खैर पहलो ते आपां वीडियो देख लेने हैं, फिर कर दें गलबात। गो सरदार हरि सिंह नलुआ जी का जीवन पढ़ते हैं ना, जिक्र मिलता है अफगानिस्तान दे रहन वाली बानू, ये अपने मंगेतर दे नाल जा रही आ। रस्ते दे विच जालमान ने घेरा पा लिया। हुण जदों घेरा पाया, जिहड़ा दा मंगेतर सी जिहदे नाल इहदा विआह होना सी, वह जाके झाड़ियों विच लुक गया। जदों को लुकिया, हुण बानो वेखदी है वी जिहने मेरी रक्षा करनी सी, जीवन साथी बनना सी, वह जाके झाड़ियों विच बैठ गया मौत तो डरदा। हुण कल्ली बानो जालमां दे घेरे विच खड़ी आ। ते इधरों खालसे पंथ दा जथा आउंदा है, कलगियां वाले पातशाह जी दे पुत्तर आउंदे ने, उन्हां वेख्या वी एक भैण मुसीबत विच है। उन्हां ए जानण दी कोशिश नहीं कीती वी इहदा धर्म की है, इहदी नसल की है, इहदा जात की आ, इहदा रंग किद्दां दा है, इह किहड़ी बरादरी नाल संबंध रखदी आ। नहीं, उन्हां ए वेख्या वी एक भैण है ते इह मुसीबत विच है। उसे समय जयकारा ला दिता। जदों जयकारे की आवाज़ आई, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हुण ये जिहड़ा जयकारा सी, ये बानो भैण नूं हौसला दे गया भी भैणे घबराई ना, तेरे वीर आ गए ने। ते जिहड़े जालम जरवाणे सी उन्हां नूं चैलेंज कर गया भी इस भैण दा राह छड्ड दिओ, नहीं तुहाडी खैर नहीं है। हुण जदों जयकारे की आवाज़ सुनी, डरदे भज गए, क्योंकि खालसे दे करैक्टर तो सारे ये चंगी तरह जाणू ने, जाणदे ने किरदार नूं। जदों भज गए, हुण बानो कदे तां अपने मंगेतर वल वेखदी आ जिहड़ा झाड़ियां 'च बैठा है, कदे उन्हां सिंघां दे जथे वल वेखदी आ जिहनूं ओह जाणदी वी नहीं। कौण ने, किधरों आए ने, मेरी रक्षा कर दित्ती, मेरा कोई रिश्ता भी नहीं इन्हां दे नाल। ते जदों बानो दे मंगेतर ने वेख्या भी खतरा टल गया है, वह बाहर आया है। हुण ये उन्हूं पुछदी आ वी ये कौण सन जिन्हां ने मैनूं बचाया है। वह दसदा वी ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पुत्तर ने, इन्हां दा जिहड़ा जथेदार है, इन्हां दी जिहड़ा अगवाई करदा है, वह सरदार हरि सिंह नलुआ है, जिन्हें अपने अफगानियों भी डरा के रखिया होया है। अफगानिस्तान भी डरदा सी ना सरदार हरि सिंह नलुआ जी तो। हुण बानो कहिंदी आ वी मैं भी इन्हां दे सरदार नूं, जथेदार जी नूं मिलना चाहुंनी आ, मैनूं लैके चलो, किथे ने ओह। हुण ये लैके पहुँचे है बानो नूं जिथे सरदार हरि सिंह नलुआ जी दा तंबू लगे है, रहायश है। ते कहन लगे वी मैं बाहर रुक दे, तू जाके मिलिया, तू मिलना चाहुंनी आ। हुण बानो अंदर जांदी आ, सोच के वेखो सिंघां दे किरदार उत्ते दूसरियां कौमां वाले भी किन्ना माण करदे ने। बानो दे मंगेतर ने उन्हूं अंदर भेज दिता, यकीन है ना किरदार ते भरोसा, आप बाहर ही रुक गया। कहिंदा तू जिहड़ी गल करनी आ करिया, जाके मिलिया जाके। हुण बानो दे अंदर मैल है, थोड़ी जी मन दे विच ये गल आई, तो जाके कहिंदी आ मैं सुने है, मैनूं सुनन दे विच मिले है, गुरु नानक दे घर विच्चों कदे कोई खाली नहीं मुड़िया। जिन्ना कि मैं तुहाडे धर्म बारे सुने, मैनूं समझ है, मैनूं ये गल सुनन विच मिली है वी गुरु दे दरबार विच्चों कोई खाली नहीं मुड़दा, ना कोई मुड़िया, ना किसी ने मुड़ना है, क्योंकि उच्चा है, उच्चा दर बाबे नानक दा। ते सरदार हरि सिंह नलुआ जी कहन लगे भी तुसी ठीक सुने है, इस दरबार विच्चों कोई खाली नहीं मुड़दा, मेरे बाबे दे दरबार विच्चों कोई खाली नहीं मुड़दा, क्योंकि अत उच्चा तांका दरबारा साचे साहिबा, क्या नाहीं घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे, हर एक चीज़ मिलती आ।
जिहो जी किसी की इच्छा है ना, सारिया इच्छावां नूं पूर्ण करन वाले ने। ते नाल दी नाल बानो कहन लगी, जे गुरु दे घरों कोई खाली नहीं मुड़दा तां गुरु दे सिख दे घरों भी कोई खाली नहीं मुड़दा होना। हुण सिखां दी बहादरी वेख के इह किली जा चुकी आ, इहदे मन उत्ते बड़ा गहरा असर पिया। इन्नी बहादुर कौम दुश्मनां दीआं धीआं भैणां दी वी रखिआ करदी आ, अपनी जान की परवाह नहीं करती। किन्नी इंसानियत इस कौम दे विच। हुण उहदा मन बहुत प्रभावित होया किरदार तो, कहिंदी आ फिर गुरु दे सिख दे घरों भी कोई खाली नहीं मुड़दा होना। सरदार हरी सिंह नलूआ जी कहन लगे, जदों मेरे गुरु दे घरों कोई खाली नहीं मुड़दा, मेरे पिता दे घरों कोई खाली नहीं मुड़दा, उहदे बच्चियां दे घरों कोई खाली किवें मुड़ सकदा है। ते नाल दी नाल बीबी बानो कहन लगी, फिर अज मैं भी गुरु दे सिख दे दर ते फरियाद लैके आई हाँ, मैनू ये उम्मीद है मैं भी खाली नहीं मुड़ांगी। सरदार हरी सिंह नलूआ जी कहिंदे ने भी दसो कि तुहाडी तमन्ना की इच्छा है। ते बीबी बानो ने कह दिता, मेरी इच्छा है मेरी कुख तो तुहाडे वर्गा योधा जन्म लवे, तुहाडे वर्गा सूरमा जन्म लवे। सरदार हरी सिंह नलूआ जी ने समझाया, गुरु जी के बचना बारे दसिया, पर वो नहीं समझी। हुण मीणा दे के तुरन लगी आ, कहन लगी मैं बड़ी आस लैके आई सी, उम्मीद लैके आई सी गुरु दे सिख दे घरों कोई खाली नहीं मुड़दा, पर मैं अफगानिस्तान दे रहण वाली बानो अज सरदार हरी सिंह नलूआ दे दरबार विच्चों खाली जा रही हाँ। जदों मीणा दे के मुड़न लगी ना, सरदार हरी सिंह नलूआ जी ने पिछों आवाज़ दिती, मां रुक जा। 21 साल दी बीबी बानो, सरदार हरी सिंह नलूआ जी की आवाज़ मारदे ने, मां रुक जा। सामने गए, अपने गल विचों हजूरिया ला के बीबी बानो दे गल विच पा के कहिंदे ने, मां तैनू मेरे वर्गा पुत चाहीदा है ना, मेरे वर्गा योधा चाहीदा है। मां अज तो मैं ही तेरा पुत हाँ, तू जाके कह दी अफगानिस्तान दे विच जेड़ा सरदार हरी सिंह नलूआ है ना, मेरा बच्चा है, मेरा पुत है। ते जे कोई मैनू पुछेगा ना, मैं भी सादी भर दिया करांगा, बीबी बानो मेरी माँ है। कैसा किरदार है साडा, लोड़ पैण ते 21 साल भैण नू भी माँ कह दिता, खाली नहीं मुड़ेंगी माँ तो इस दरबार विचों। इतिहास गवाही भरद जिन्ना टाइम बीबी बानो रही है ना, वो कहती रही है सरदार हरी सिंह नलूआ मेरा पुत है। तो सरदार हरी सिंह नलूआ जी भी साधी भरते रहे ने, बीबी बानो मेरी माँ है, ये साडा किरदार है। इस गल दे विच कोई शक नहीं है कि सिखां सरदारां वास्ते सारयां दीआं धीआं भैणां दीआं इज्जतां सांझियां हुंदियां ने, चाहे वह मुसलमान की धी होवे, चाहे हिंदू की धी होवे, ते चाहे किसी ईसाई की धी होवे, सिखां सरदारां वास्ते सारयां दीआं इज्जतां सांझियां हुंदियां ने। सुनन अंदर यह आता है कि अगर किसी दूसरे धर्म की धी भैन किसी सिख सरदार के घर आ जाए तो सिख सरदार उन्हें इन्ना मान देंदे ने कि खुद नीवी जगह पर बह जाते हैं तो उन्होंने उच्ची जगह पर बिठा देंदे ने। एवं सोच नूं एक मुसलमान दा सलाम है। देखो जी, बानो एक मुसलमान कुड़ी सी जिहड़ी अपनी मगेतर दे नाल रस्ते दे विच जा रही सी, ते जदों दुश्मनां ने उन्हां दा रस्ता रोकिया ते उहदा मगेतर उहदी इज्जत महफूज करन दी बजाए जाके जाड़ियां दे विच रुक गया, ते उधरों एक सिखां दा जत्था आ रहा सी, ते सिखां दे जत्थे ने उस कुड़ी दी इज्जत बचाई, उहदी जान बचाई। ते जदों बानो दा मगेतर वापस आया देख के कि दुश्मन चले गए ने, ते बानो ने पूछया कि यह कौन लोग सी जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई, ते उन्हें आख्या कि ये इज्जतां दे महाफज़ सी, ये सिख लोग सी जिहड़े दूसरियां दीआं इज्जतां नूं सांझियां समझदे ने। ते बानो ने इसरार कीता कि मैनूं इन्हां दे सरदार को लै जाओ, ते फिर जिहड़ा बानो दा मगेतर सी उहनूं उह सरदार को लै गया। ते सरदार कौन सी, हरी सिंह नलवा जी। ते बानो सरदार जी को जांदी है ते कहिंदी है कि मैं सुनिया है कि गुरु दे घर तो कोई खाली हत्थी नहीं जांदा, कि जो मैं मंगांगी वह मैनू मिलेगा। तो हरी सिंह नलवा जी ने आख्या कि बिल्कुल जी, बिल्कुल तुहानू मिलेगा। तो कहिंदी है कि जे गुरु दे घर तो कोई खाली हत्थी नहीं जा सकता, तो गुरु दे सिंह दे घरों भी कोई खाली हत्थी नहीं जांदा होएगा।
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਕੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਬਣੇ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਨੋ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਮਾਂ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।